अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम आपके लिए ये चाइना का हीटर, शीशों वाला इसे हीटर कहा जाता है, चाइना का हीटर। इसके एलिमेंट स्प्रिंग जो है, अक्सर शीशे वाले रॉड जो है वो अक्सर जल जाते हैं, लोगों के लेके जाते हैं, लोग ज़्यादातर इसे मरम्मत नहीं करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि इसके रॉड जो होते हैं ये चाइना के होते हैं, शीशे के एलिमेंट बहुत कम मिलते हैं मार्केट में, बहुत कम अवेलेबल है। जिसके पास है वो पैसे अच्छे भले मांगता है। आज हम आपको बताएंगे कि इसको आप घर में कैसे रिपेयर कर सकते हैं और घर में आसानी से आपके ये आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम अभी इसको हमने खोला हुआ है इसलिए कि आपका टाइम बचे, तो ये पेज खोल लें आपने। सारे पेज खोलने के बाद ये देखिए इसकी बैक साइड, ये पेज खुल गए। अब हम इसके रॉड निकालेंगे बाहर। रॉड एक मैंने वैसे अभी निकाला नहीं है, लेकिन इसका स्प्रिंग जल गया हुआ है। इसमें कोई वो रॉड नहीं होते हैं, ये शीशे वाले जो रॉड होते हैं ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। अब हम आपको इसके रॉड निकाल के बाहर दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, अब इसका रॉड इसका बाहर निकाल रहे हैं। रॉड बाहर आ चुका है। इसके अंदर अक्सर स्प्रिंग जो है ये देखिए बाहर निकला है, ये स्प्रिंग इसमें से बाहर निकला है, क्योंकि ये अक्सर स्प्रिंग इसके जल जाते हैं। ये शीशों को कुछ नहीं होता, शीशे ठीक रहते हैं। अब हम पहले ये तो हमने निकाल लिया क्योंकि ये इसका स्प्रिंग टूटा हुआ नज़र आ रहा था। अब दूसरा खुला इसका तो हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि ये स्प्रिंग टूटा हुआ हमें नज़र आ रहा था। अब दूसरा इसका सिस्टम, दूसरा जो रॉड है वो चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं पहले कि ये ख़राब है कि ठीक है। अगर तो ख़राब हुआ तो हमें चेंज ये भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग होती है दोनों की, एक जैसे ही एक तरीके से ही चेंज होते हैं, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है इसका। जैसे वो ऊपर वाला चेंज होगा वैसे ही नीचे वाला चेंज होता है, दोनों एक जैसे ही रॉड होते हैं। अभी आपको ये रॉड चेक कर ले। अगर तो आपके पास सीरियस है, सीरियस बोर्ड लगा हुआ है तो आप ठीक है, अगर नहीं है तो एक और तरीका कार है, हम आपको वो भी बता देंगे। ये देखें ये रॉड भी इसका ख़राब है, दोनों रॉड ख़राब है इसके। हमें अब दूसरा रॉड भी इसका चेंज करना पड़ेगा, वो भी अभी आपको मैं करके निकाल के दिखाता हूँ। अब इसका दूसरा रॉड बाहर निकालेंगे।
ये देखिए दोस्तों, अब हम ये हमारे होल्डर बाहर आ चुके हैं, रॉड भी दोनों बाहर आ चुके हैं। अब इसको कैसे रिपेयर करेंगे, ये देखिए इसका पुराना जला हुआ स्प्रिंग। इसका एलिमेंट मिलता है, एलिमेंट से मुराद के आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। एलिमेंट होता है इसका 200 वाट का। ये चाइना के इम्पोर्टेड एलिमेंट होते हैं, ये देखिए। ये आपको नॉर्मली शॉप से नहीं मिलेंगे, ये किसी किसी के पास होते हैं। इसमें लोकल भी आते हैं, सही से ओरिजिनल चाइना के हैं ये। ये बेहतरीन रहेंगे इसके लिए। और अब हम इसमें ये फिक्स करेंगे, शीशों को कुछ नहीं होता, एलिमेंट अंदर वाले जल जाते हैं। अब हम इसको चेंज करेंगे कैसे तरीका का, ये देखिए आप इसको कर्ल निकाल लें इसके, ये देखिए ऐसे करके आप इसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ये देखें इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर लपेट दें। जब ये लपेट दिया जाएगा तो फिर इसको सीधा कर लीजिएगा, स्प्रिंग को थोड़ा सा कर्ल दे दीजिएगा, ये देखें। अब ये स्प्रिंग इसमें हमने पंच कर दिया, अब ये देखें थोड़ा सा इसको मोड़ देंगे, ये वापस नहीं जाएगा। अब हम इसका शीशा देंगे और स्प्रिंग की दूसरी साइड को अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा खोल लेंगे, उतना को खोलिएगा जितनी ज़रूरत हो। ये 200 वाट का एलिमेंट होता है, 200 वाट, इसमें 400 वाट भी आता है, 400 वाट का भी आता है, इसमें 800 वाट का भी आता है। मसलन के 400 वाट का, ये जो इस टाइम मैं इसमें डाल रहा हूँ ये 400 वाट का एलिमेंट है, और इसमें 200 वाट का जो आता है वो छोटा होता है, इससे भी वो बेकार होता है, वो नहीं लगाना चाहिए। इसमें 400 वाट का एलिमेंट ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखें इसमें अच्छे तरीके से लगा दें, वो देखिए आगे से निकला ही भाई तार। ये अब आप दूसरा इसको होल्डर पकड़े, इसको सीधा कर ले थोड़ा सा, इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लपेट दे अच्छे तरीके से, ज़ोर से, ठीक है। अब आप इसको लपेटने के बाद इसको स्प्रिंग को सीधा कर दे, ऐसे जैसे मैंने सीधा किया, ये देखिए, ठीक है। अब आप ये दे, ये कर्ल कर ले, इसको आगे से पंच कर दे। इसका मतलब कि हमारा एक रॉड तैयार हो चुका है, इसको बाद में फिक्स करेंगे, पहले हम दूसरा रॉड को भी तैयार कर लेते हैं। ये हमारा स्प्रिंग दूसरे वाला, ठीक है, इसको सीधा करके बाहर निकाल लें। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा ये सिस्टम, क्योंकि ये एक कारीगर के कारीगर ही कारीगर को जानता है, लेकिन घर में कोई भी आपको नहीं बताया, वो कारीगर आपको कोई नहीं बताएगा कि ये तरीका कार क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, कैसे स्प्रिंग डलता है। बस उन्हें ये दुकानदार कह देते हैं कि शीशे का रॉड डलेगा, शीशे का रॉड मतलब वो डालते नहीं हैं, शीशे के रॉड मिल जाते हैं, अगर टूटा हो तो फिर जाहिर सी बात है शीशे का रॉड हमें उसमें लगाना पड़ेगा, शीशे का रॉड हमें इसका लाना पड़ेगा। रॉड आसानी से मिल जाता है, इसका ओरिजिनल स्प्रिंग जो 400 वाट का है, 400 वाट का, ये आपको मिलेगा 50 रुपीज़ के मुताबिक, पाकिस्तानी 50 रुपीज़ के मुताबिक, और कंट्रियों का मुझे नहीं पता, लेकिन इधर का रेट का मैंने आपको कंफर्म कर दिया है कि इसका रेट क्या मिलेगा आपको मार्केट में। जो इसका शीशे का रॉड है उसमें डालते हैं, एलिमेंट इसे कहा जाता है।
आप जाके दुकानदार से अगर तो उसके पास होगा तो वो उससे जाके येगा ओरिजिनल वाला चाइना का एक नंबर एलिमेंट दे दें जो शीशे के रॉडों में इस्तेमाल होता है। ये आपका ये देखें अच्छे तरीके से लपेटिएगा, कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप जोड़ वीक लगाएंगे तो वो सही तरह प्रॉपरली नहीं काम करेगा। ये देखें ये हमने लगा दिया है, अब इसको हमारे दोनों रॉड मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके अंदर फिक्स करेंगे। ये देखें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आसानी से ये फिक्स हो जाते हैं। साइड से आप पकड़ेंगे ना अच्छे तरीके से तो दूसरी साइड से रॉड आसानी से उधर से भी पकड़ा जाएगा। आप ये देखें ये इसके लॉक है, इसमें आपने पंच कर देना है। पंच करने के बाद इसे सीधा कीजिएगा। ये देख रहे हैं इसके होल्डर, ये जो हम होल्डर है ये नीचे अच्छे तरीके से कर देंगे। ये नीचे करने से ये ऊपर की साइड ये बाहर नहीं आएगा। अब हम इसका दूसरा रॉड लगाएंगे, ये होल्डर इसका। ये देखें लोहे के जो है ये पंच हो गए हैं। ये देखें ये एक रॉड हमारा लग चुका है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा। अब दूसरा रॉड अब इसमें फिक्स करेंगे। ये देखें इसका लॉक ये इसमें लग गया। ये देखें ये लग गया। अब इसको हम इसको भी लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया, इसका भी लॉक। ये देखें दोनों एलिमेंट अब लग चुके हैं। अब हम इन्हें आप चेक करने के लिए, सीरियस बोर्ड तो आपके पास नहीं होगा फिर भी एलिमेंट इतने बेहतरीन तरीके से लगाइएगा कि आपको पता लग जाए कि ये बिल्कुल ओके होंगे। अब आपको मैं इसको लगा के इसको अच्छे तरीके से पंच कीजिएगा। ये लग गए, ये दूसरी साइड पे। ये हो गया। अब आप इसे आरजी इसको भी हम बंद कर देंगे, अच्छे तरीके से बंद कीजिएगा। ये बंद हो गया, ये वायर बाहर आ गया। ये देखिए ये अब मुकम्मल बंद हो चुका है। अब इसके जो पेच हैं वो पेच तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं ये अभी आरजी तौर पर दो पेच लगा के इसको बंद करके मैं आपको आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बंद करके सिर्फ आरजी तौर पर दो पेच लगा कर ये मैं आपको चेक करवाऊंगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। दोस्तों अब हम इसका स्टैंड आरजी तौर पे लगाएंगे। पेच मैंने सिर्फ दो ही लगाए हैं, सिर्फ आपको चेक कराने के लिए। पेच इसके मैं बाद में लगाऊंगा, ये अभी हम आपको सिर्फ चेक करवा रहे हैं। ये आपका लग गया, लग गया के नीचे बटन होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये गिर जाता है तो ये रॉड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे क्योंकि करंट उसका
बंद हो जाता है। इसके लिए आपको चेकिंग करने के लिए इसको अच्छे तरीके से नीचे रखना है, क्योंकि ये पंच होगा बटन तो ये ऑन होंगे। अब आप आपको राड चला के दिखाते हैं, करंट में देखें, करंट में देने लगा हूँ, ये 220 करंट है। अब ये राड देखिएगा, ये देखिए एक राड बर्न कर रहा है। अब दूसरा इसका ऑन करते हैं, ये देखिए ये दूसरा भी वर्क करना शुरू हो गया, काम करना शुरू हो गया। ये देखिए हीट भी इसकी अच्छी होती है, और ये जेन्युइन एलिमेंट डालने से इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। ये देखिए इसके स्विच के साथ आप वन वे कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप इसका सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए हम अगर इसको उठाएँगे ये दोनों बंद हो गए। क्यों बंद हुए? क्योंकि इसके नीचे ऑटोमेटिक स्विच लगा हुआ है, ऑन ऑफ उन्होंने लगाया हुआ है, कि अगर शायद अंदर कोई बच्चा गिर देता है या ये गिर जाता है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये जब तक सीधा नहीं खड़ा होगा, ये देखिएगा अभी ये देखें चल पड़े हैं दोनों राड, ये ओके है। अब आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं अगली जल्द ही वीडियो कोई अपलोड करूँगा, नई कोई ऐसी चीज़ जो मेरी समझ में आए तो मैं आपको बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।